आपको बता दें कि बीते एक माह पूर्व 8 जून को एटा जिले में दिलीप की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही परिजन लगातार दिलीप की तलाश कर रहे थे और लगातार पुलिस के संपर्क में भी थे। एटा पुलिस को जांच के दौरान दिलीप की आखिरी लोकेशन आगरा की मिली। इसके बाद जांच और आगे बढ़ाई गई। दिल्ली के परिजनों से जानकारी जुटाने के बाद एटा पुलिस ने आगरा की ताजगंज पुलिस से संपर्क किया और दिलीप की प्रेमिका और उसके पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला खुल गया। दिलीप की प्रेमिका ने बताया कि उसने अपने पति के साथ मिलकर ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। हत्यारोपित पति के मुताबिक दिलीप उसकी पत्नी को लगातार फोन किया करता था, जिससे वह बहुत परेशान हो गया था। इसी के चलते उसने उसकी हत्या की योजना बनाकर उसे आगरा बुलाया और उसकी हत्या कर शव को ताजगंज में दफना दिया। पुलिस ने हत्यारोपियों की निशानदेही पर मृतक का कंकाल बरामद कर लिया है। अब पुलिस इस कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजकर साक्ष्य संकलन करेगी। फिलहाल दोनों पति पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, 8 जून 2024 को थाना सकीट एटा में एक गुमशुदगी लिखी गई थी, उसी की जांच के संबंध में थाना सकीट की पुलिस यहां आई थी। उसने जो गुमशुदगी लिखी गई थी उसका नाम दिलीप था, उसको यहां से थाना सकीट पुलिस ने बरामद किया है। उसके अवशेष, सर के अवशेष बरामद किए हैं, कपड़ा बरामद हुआ है, बेल्ट बरामद हुई है, साथ ही 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गुमशुदगी को तरमीम किया जा रहा है अभियोग में और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में क्या जानकारी मिली है गोविंदा से कि किस वजह से ये हत्या की गई? प्रथम दृष्टया ये प्रेम संबंध का मामला लग रहा है, लेकिन ये बाकी जानकारी विवेचना के दौरान मिलेगी। ये तीनों लोग यहाँ आगरा के रहने वाले हैं, थाना ताजगंज और थाना सदर। डीजी महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।